अगली खबर में बात करते हैं इंदौर की, जहां हीरानगर में गुरुवार रात बीकॉम के स्टूडेंट से धर्म छिपाकर रेप करने और धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने का मामला सामने आया है। सूचना पर बजरंगी यहां पहुंचे और जमकर हंगामा किया। स्टूडेंट के बयान के बाद पुलिस ने मामले में आरोपी पर कई धाराओं में केस दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। TI दिलीप पुरी के मुताबिक गौरीनगर निवासी 25 साल की बीकॉम के स्टूडेंट की शिकायत पर पुलिस ने रेप धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने सहित अन्य धाराओं में FIR दर्ज की है। वहीं आरोपी अनवर उर्फ अन्नू पिता हकीम खान निवासी सिकंदराबाद कॉलोनी सदर बाजार को हिरासत में ले लिया गया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि अनवर से उसकी 8 साल पहले सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती हुई। इसके बाद वह उससे मिलती रही। करीब 5 साल पहले उसे यह पता चला कि अन्नू का असली नाम अनवर है और वह एक मुस्लिम है। इसके बाद पीड़िता ने उससे दोस्ती तोड़ दी, बात करना बंद कर दिया। छात्रा ने पुलिस को बताया कि इस बीच सितंबर 2022 में उसकी सगाई मुंबई में हो गई। अनवर को जब इस बात की जानकारी लगी तो वह जबरदस्ती शादी का दबाव बनाने लगा। घर पहुंचकर धमकाया और मुस्लिम धर्म अपनाने व शादी का दबाव बनाने लगा। छात्रा का आरोप है कि इसी दौरान अनवर ने उसके साथ दुष्कर्म किया। छात्रा ने पुलिस से कहा कि रेप की बात को सभी को बताने की धमकी देकर मुझे ब्लैकमेल किया। छात्रा ने गुरुवार को यह बात परिवार को बताई, जिसके बाद परिजनों ने हिंदूवादी नेताओं से बात की और थाने पहुंचे। सूचना के बाद बजरंग दल पदाधिकारी तन्नू शर्मा के साथ संगठन के कई लोग थाने पहुंचे। यहां हंगामा कर आरोपी पर केस दर्ज करने की बात कही। सूचना पर पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारी भी थाने पहुंचे। यहां आरोपी अनवर को भी बजरंगी पकड़ कर ले गए। इसके बाद पुलिस ने मामले में कार्यवाही कर सभी को शांत किया। गौरीनगर की एक बालिका ने रिपोर्ट किया है कि कोई मरी माता का एक लड़का है, सदर बाजार क्षेत्र सिकंदराबाद का निवासी अनवर नाम लगाया, उसके द्वारा अभी बालिका की शादी कुछ होने के कारण इसने उसको बोला 24 तारीख को जा क्योंकि मेरे साथ शादी करो, मेरा धर्म अपना नहीं तो मुझे रोजाना बना दूंगा, और उसके साथ उसके संबंध बनाए। उस पर थाना हीरानगर में विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीकृत किया गया है, विवेचना जारी है। नमस्कार, रीवा, मैं हूं भानु पंडित। और मैं हूं अनीता भट्ट, और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने, जिसका नाम है उड़ान शाम गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए। और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। तो सी यू ऑल दैट।